जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आज हम कोई मिठाई नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन मिठाई के लिए ज़रूरी चीज़ आज कंडेंस मिल्क बना रहे हैं। कई मिठाइयों में, आइसक्रीम में, बहुत सारी चीज़ों में हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कि हमें मार्केट जाना पड़ता है। और आज हम कंडेंस मिल्क घर में बना रहे हैं, इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आज के बाद अब कंडेंस मिल्क के लिए कभी आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और ना ही बाज़ार से इतने महंगे महंगे लेके आने पड़ेंगे। सिर्फ घर में दो तीन चीज़ों से बड़े आसानी से हम ऐसा कंडेंस मिल्क बढ़िया बना सकते हैं, मार्केट जैसा बल्कि उससे भी अच्छा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक लीटर दूध लिया है करीब, तो बस इसको हमने उबालना है और इसे रिड्यूस करना है। ये करीब एक तिहाई रह जाए तब तक हम इसे उबालेंगे और रिड्यूस करेंगे। जब ये कम हो जाएगा तब फिर हम इसमें आगे की चीज़ें मिलाएंगे। बहुत आसान है कंडेंस मिल्क बनाना, हम बाज़ार से लाते हैं, इतने महंगे होते हैं, और बिल्कुल शुद्ध घर में हम बहुत कम मेहनत से ये चीज़ बना सकते हैं और बिल्कुल कम सामान से। बस इसके लिए हमें चाहिए दूध और चीनी। एक लीटर दूध में हमें चाहिएगी 100 ग्राम शक्कर और चुटकी भर खाने वाला सोडा। बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हमें नहीं चाहिए और हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल बाज़ार जैसा बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इंतज़ार करते हैं दूध के उबल के उसके कम होने की। हाँ, हमें इसे लगातार हिलाते रहना है ताकि कहीं नीचे ना लग जाए। बस थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे हिलाते रहेंगे और ये उबलता रहेगा। ये देखिए अब हमारा दूध उबल के कितना कम हो गया है। अब इसमें मैं शक्कर मिलाऊंगी। ये करीब मैंने 100 ग्राम शक्कर इसमें डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से उबालेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी तो शक्कर का पानी होगा तो ये वापस पतला हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ देर इसे और उबालना होगा तब ये गाढ़ा भी होगा और इसका कलर भी वही कंडेंस मिल्क वाला मिल्क मेड या जो भी ब्रांड का आप लेते हैं वैसा कलर इसका मिठाई मेड है, मिल्क मेड है, कोई से भी ब्रांड का हो, लेकिन उसका जो कलर था हल्का सा ब्राउनिश आता है ना, जो कैरमलाइज्ड वाला, तो वो कलर अब इसका आ जाएगा। बस ये शक्कर के साथ उबलेगा ना तो वही रंग आ जाने वाला है और वही फ्लेवर और वही स्वाद इसका हो जाएगा। बस अब इसे हम वापस थोड़ी सी देर और उबालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी वही हमें ले आनी है जो कंडेंस मिल्क की होती है, गाढ़ी वाली, पूरी और गाढ़ी। बस अब इसे हम थोड़ी देर और उबालेंगे, करीब हमें 10 से 15 मिनट से और लगेंगे। बस अब इसमें हम इस वक्त ये चुटकी भर, सिर्फ इतना, एक पिंच खाने वाला सोडा डाल देते हैं और बस अब इसे उबलने देंगे। ये हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है बिल्कुल। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद भी हम इसे थोड़ी सी देर तक इसी तरह हिलाएंगे ताकि इसमें कहीं गांठें गुठलियाँ ना पड़ जाएं। इस तरह इसे हम थोड़ी सी देर हिलाते रहेंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट। उसके बाद हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कितना, हमारा कितना प्यारा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है जो कि हमने खुद घर में बनाया है और इतनी आसानी से, इतनी कम सामान से और इतना बढ़िया टेस्टी। चलिए आप भी इससे बनाइए, ट्राई करिए और फिर किसी भी तरह की मिठाई हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, आप इसको आसानी से काम में ले सकते हैं और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। कम से कम एक महीने तक तो इसे कुछ भी नहीं होने वाला।
इस तरह आप भी बनाइए और इसे स्टोर करके रखिए। जब दूध की ज़रूरत हो, जब किसी मिठाई के लिए इसकी ज़रूरत हो, तो आप इसे आसानी से काम में ले सकते हैं। और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।